हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीवीआर हिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज पढ़ने चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप्स क्या है, जब वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आते हैं, है ना। और सेकेंड टाइप्स क्या है, जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है। तो फर्स्ट टाइप सबसे पहले देख लेते हैं, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन, हैड, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट कहां पर आएगा, सब्जेक्ट का प्रयोग हैड के जस्ट बाद आएगा, सब्जेक्ट बीन प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होगी, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार प्लस टाइम, है ना। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड बीन, हैड और बीन, हैड बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा। जब हमारी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों की होती है, जस्ट पहले शब्द के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फार, फिर टाइम। तो एग्जांपल देखते हैं, राहुल बगीचे में दो सेकेंड से, दो सेकेंड से फल क्यों तोड़ रहा था। है ना, सब्जेक्ट क्या है, राहुल, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। तो यहां पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, सब्जेक्ट है राहुल, राहुल बीन, मेन वर्ब तोड़ना, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, पल्किंग, क्या तोड़ रहे थे, फल, है ना, फल काउंटेबल नाउन है। यहां पे आ फ्रूट, सिंस या फार, यहां पे प्लेस दिया है, तो यहां पे इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब क्या कह रहा है, दो सेकंड से, है ना, टाइम दिया है, तो टाइम क्या है, अनिश्चित टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो यहां पे फार का प्रयोग करेंगे, फार टू सेकंड्स, वाई हैड राहुल बीन पल्किंग अ फ्रूट इन द गार्डन फॉर टू सेकंड्स। तो देखिए, वाई हैड राहुल बीन पल्किंग अ फ्रूट इन द गार्डन फॉर टू सेकंड्स, दो सेकंड से। एक वाक और देखते हैं, मैं कक्षा में किसे सोमवार से
अंग्रेजी पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था, है ना। कह रहा मैं कक्षा में किसे सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, किसे, whom, whom माने किसे होता है, whom had, had been, है ना। पहला शब्द क्या had, तो इसी के जस्ट बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे I, फिर been, मेन वर्ब क्या पढ़ाना, टीचिंग, टीचिंग पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी, है ना, इंग्लिश। प्लेस क्या है, इन द क्लास, इन द क्लास। अब टाइम क्या दिया है, सोमवार, सोमवार क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, यहां सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मंडे, है ना। Whom had I been teaching English in the class since Monday, सोमवार से। सेकेंड टाइप देखते हैं, जब वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, जस्ट के, हैड के जस्ट बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या होगा भाई, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार, सिंस या फार प्लस टाइम। एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम जनवरी से हॉकी खेल रहे थे, हॉकी खेल रहे थे, तो क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, तो यहां पे हैड, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, हैड यू बीन खेलना प्लेइंग, खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, हॉकी, कब से खेल रहे, जनवरी, जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस जनवरी। हैड यू बीन प्लेइंग हॉकी सिंस जनवरी, क्या तुम जनवरी से हॉकी खेल रहे थे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, है ना। इसमें अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना है, नहीं नॉट का प्रयोग, जस्ट सब्जेक्ट के हमें बात करना है, रूल वही रहेगा, है ना। तो देखते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड वाक के बीच में आए, वाक के बीच में आए, तो नियम तो वही रहेगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, सब्जेक्ट। अब नॉट आया है, तो नॉट का प्रयोग बताया गया, जस्ट सब्जेक्ट के बाद होता है, तो नॉट का प्रयोग, फिर बीन प्लस
मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार, सिंस या फार प्लस टाइम। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फार टाइम। एग्जांपल देखते हैं, वे नदी में 2 घंटे से स्नान क्यों नहीं कर रहे थे। कह रहा है वे नदी में 2 घंटे से स्नान क्यों नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखते हैं व्हाई, फिर हैड, अब सब्जेक्ट क्या है दे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, तब बीन का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब क्या, स्नान करना, बाथ, इसी में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, बाथिंग, नदी में इन द रिवर। फिर क्या है 2 घंटे से, समय क्या है अनिश्चित है ना, तो यहां पे फार का प्रयोग करेंगे, फार 2 आवर्स। व्हाई हैड दे नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर फार 2 आवर्स। अब देखते हैं जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या क्या से शुरू होता है। जब वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है तब क्या उसका नियम होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन वर्ड हमारा हट जाएगा, सेम वही नियम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, है ना। तो एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम 2010 से दिल्ली में, दिल्ली में रह रहे थे, क्या तुम 2010 से दिल्ली में रह रहे थे। हैड निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो यहां नहीं लग जाएगा, नहीं रह रहे थे, है ना, क्या तुम 2010 से दिल्ली में नहीं रह रहे थे। हैड यू, फिर नॉट बीन, हैड यू नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली, इन दिल्ली, समय क्या है 2010, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है या सिंस, सिंस 2010, है ना, हैड यू नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। लास्ट एक वाक्य और देख लेते हैं, क्या वह रसोई, रसोई में कल से भोजन नहीं पका रही थी, पका रही थी। कह रहा है क्या वह रसोई में
कल से भोजन नहीं पका रही थी। हैड सी नॉट बीन मीन और कुक आईएनजी लगाएं कुकिंग क्या पका रही भोजन कुकिंग फूड इन द किचन इन द किचन रसोई घर में है ना। टाइम क्या है कल, कल क्या है निश्चित समय है यहाँ सिंस सिंस एस्टरडे एस्टरडे। हैड सी नॉट बीन कुकिंग फूड इन द किचन सिंस एस्टरडे। तो फ्रेंड्स ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आप सभी पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।